हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम आ गए कैरनॉट्स हीट इंजन लेकर लेके नहीं आए हैं, पास में लेक्चर में पढ़ाएंगे। कहाँ है कैरनॉट्स हीट इंजन? और ये थर्मोडायनेमिक्स का 9th लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स 08 में मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया और हीट इंजन क्या होता है ये समझाया, और कोई भी हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में कैसे काम करता है इसको मैंने एक प्रीवियस ईयर JEE मेंस 2013 के क्वेश्चन के थ्रू समझाया। बेटर होगा अगर आप थर्मोडायनेमिक 08 फिजिक्स वाला यूट्यूब पे सर्च करके उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखें। नहीं भी देखा तो ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। हम कैरनॉट्स हीट इंजन के बारे में आज पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग और उसका ग्राफ, फिर डेरिवेशन करेंगे उसकी इफिशियंसी की, 1 - T2 / T1। आज तापमान गर्म रहेगा विथ इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, काफ़ी गहराई में जाकर। उसके बाद हम रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेटर घर का फ्रिज पानी कैसे ठंडा करता है, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज थर्मो का दी एंड होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल, इतना भी खूबसूरत नहीं है सर, मेरी बंदी आपके चैनल से ज़्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। तो स्टार्ट करते हैं यार आज, और चलिए शुरू करते हैं कैरनॉट्स हीट इंजन से। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन क्या होता है बच्चों? इंजन का मतलब होता है जो कोई काम करे। हीट इंजन का मतलब एनी सच इंजन विच कन्वर्ट्स हीट टू वर्क, यानी ऐसा इंजन जो हीट से काम करे। तो आप देखते हो अपने पास बाइक कार है ना, जो भी होती है अपने पास, बाइक स्कूटर कार स्कूटी जो भी आपके पास है ना, जो भी स्कूटी आपके पास, प्लेजर है, हीरो होंडा है, गस्टो है, जो भी है, तो वो सभी गाड़ियां हीट को वर्क में कन्वर्ट करती हैं। कैसे भैया? उसके अंदर होता है पेट्रोल डीजल, वो जलता है, जलता है मतलब हीट एनर्जी, और उससे टायर घूमती है यानी कि वर्क। कैसे होता है जरा सा एक छोटा सा आइडिया ले लो, छोटा सा आइडिया ले लो, तो कैरनॉट हीट इंजन में बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा। सर ऐसा भी क्या मजा आएगा, पबजी से ज़्यादा मजा आएगा क्या? हैं हैं सर बोलो, हैं? पबजी एक एंड्रॉयड गेम है, क्योंकि ये वीडियो आगे की जनरेशन भी देखेगी तो उन्हें पता होना चाहिए पबजी क्या है। वो बेचारे सोचेंगे ये पबजी क्या चीज़ थी, किसी पब का नाम था। खैर, तो ये मान लो मेरा व्हील है, ये व्हील का सेंटर है, ये मेरे पास एक शाफ्ट वगैरह लगा है, ये इंजन के अंदर कहानी, ये व्हील है, ये घूमेगा, यहाँ से मैंने इसको हीट किया, ठीक है, आपने किक मारी या सेल्फ स्टार्ट जो भी था हमारा, आग जली, और इसके अंदर कोई वर्किंग फ्लूइड है, इसके अंदर कोई वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड बोले तो कोई आइडियल गैस है ना, इस चैप्टर में हम आइडियल गैस मारेंगे, समझ लो तो साइकिल बड़े अच्छे समझ में आएगी कैरनॉट हीट इंजन की, फील होगा सब कुछ साथ में, फील है ना। अब मान लो हीट किया, हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगा तो ये पिस्टन आगे बढ़ेगा, ये शाफ्ट आगे बढ़ेगा, टायर आगे जाएगा, इसे टायर आगे गया, जैसे ही टायर एकदम आगे की पोजिशन में जाएगा, एक टाइम के बाद एक्सपेंड करना बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया दिस विल रिटर्न बैक। भैया इनर्शिया की वजह से जो चीज आगे गई है स्प्रिंग एक्शन की वजह से वापस आएगी, जब वापस आएगा तो टायर को वापस खींच लेगा, ये तो नुकसान हुआ गाड़ी का है ना, वैसे टायर पीछे आता नहीं है, ओवरऑल तो हमारे पास वर्क होता है, ठीक है, समझो पहले आगे गया टायर, आगे गया फिर पीछे आया, मान लेते हैं कुछ नेगेटिव वर्क हुआ, तो साइकिल में थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव वर्क करेगा और वापस आते वक्त ये नेगेटिव वर्क करेगा। ओवरऑल मेरा वर्क पॉजिटिव आना चाहिए, टोटल वर्क मेरा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। वर्क शुड बी डन बाय द सिस्टम, इस सिस्टम को वर्क कर देना है ताकि गाड़ी आगे बढ़ जाए। तो बेसिकली जो हमारा यहां से नेट वर्क निकल के आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तभी हमको हीट से वर्क मिलेगा ना, डेफिनेटली। मतलब एक कंप्लीट साइकिल, जूम जूम, इसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल है ना, और इसको आप मैकेनिक्स की भाषा में है ना, इंजन की भाषा में बोलोगे तो इसको हम बोलते हैं वन स्ट्रोक ऑफ इंजन। सुना होगा ना, टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, तो ये वन स्ट्रोक हुआ इंजन का, एक स्ट्रोक। एक स्ट्रोक में इंजन के अंदर की गैस एक बार एक्सपैंड करेगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी एक बार टायर को आगे की तरफ वर्क, एक बार नेगेटिव। टोटल वर्क पॉजिटिव होगा, टायर आगे बढ़ जाएगा। और सुनो, जब आप हीट करोगे तो ये एक्सपैंड करेगा, तब आपने इसको हीट दी, जब ये वापस आएगा ना तो कुछ हीट रिलीज कर देगा, खराब कर देगा, तभी तो गाड़ी गर्म हो जाती है चलते चलते। गाड़ी का इंजन जब चलते चलते छुओ तो गर्म हो गया, ये क्यों हुआ?
भाई अगर सारी हीट से वर्क हो जाता तो इंजन गर्म ना होता। जितनी हीट मिल रही थी पेट्रोल से, सबसे यदि गाड़ी ही आगे चलती तो इंजन के अगल बगल वो गर्मी क्यों रहती है? क्योंकि कुछ हीट ये वापस रिलीज कर देता है। जिस टाइम ये आगे बढ़ा तब तो हीट मस्त एब्जॉर्ब कर रहा, जब ये वापस आता है ना तो कुछ हीट रिलीज करता है। तो आगे जाते वक्त पॉजिटिव वर्क, पीछे आते वक्त नेगेटिव वर्क, आते जाते वक्त इसने हीट क्या की है, एब्जॉर्ब की, और पीछे आते वक्त रिटर्न जर्नी में ये हीट को रिजेक्ट करता है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से इंजन गर्म दिखता है। ये जो हीट रिजेक्ट हुई ये हमारे लिए वेस्ट हो गई, ये हमारे लिए वेस्ट हो गई। और यहां से भी हम वही पुरानी बात सेकंड लॉ की फिर से दोहराएंगे और आप सब सुनेंगे हमारे साथ, बोले जय माता दी, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क, सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यही हमने देखा, हमने हीट दिया ए, ए, और कुछ हीट हमेशा रिजेक्ट हो जाती है। ये किसी भी इंजन का बेसिक प्रिंसिपल है। दुनिया में आप कोई भी इंजन बनाओगे, उसका एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम नहीं कहते, जमाना कहता है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे, ये सारे साइंटिस्ट बोल चुके हैं कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप हीट लोगे, कुछ हीट हमेशा रिजेक्ट होती है जो कि वेस्ट हो गई, सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में और जानने के लिए देखें थर्मोडायनेमिक्स 08 का लेक्चर। क्लियर हुआ कुछ कुछ? एक साइकिल चलेगी, पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट रिजेक्ट होगी। अब यह साइकिल हमको पूरी समझनी है कि हम कैसे इसको चलाएंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो यह एक साइक्लिक प्रोसेस होना है। तो अगर मैं इसको ग्राफ में, डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स का ये 9th लेक्चर है तो आपको पीवी ग्राफ वगैरह आता होगा, एक साइकिल दिखेगी ग्राफ में, यूं फॉरवर्ड साइकिल, यूं बैकवर्ड साइकिल, कैसे भी हो सकती है। साइकिल का मतलब गोल थोड़ी ना, साइकिल का मतलब चक्कर, यूं 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 यूं, ये भी हो सकती है साइक्लिक प्रोसेस। ये प्रोसेस साइक्लिक, मतलब ग्राफ में देखोगे तो साइक्लिक दिखेगा, कैसा भी साइक्लिक हो सकता है। शेप के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, अलग अलग तरह के इंजन, मेरी बात सुनो, अलग अलग तरह के इंजन, उनकी अलग अलग तरह की साइकिल। मेरे पास ओटो इंजन है, मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन है, मेरे पास कैरनॉट्स इंजन है, हमें पढ़ना सिर्फ कैरनॉट है। यानी ये साइकिल कैसा भी हो सकता है इंजन का, हमें उसमें से पढ़ना है कैरनॉट्स हीट इंजन। तो अभी आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया, क्या समझ में आया, थोड़ा सा बेसिक समझ में आया। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा मैं फ्लोचार्ट टाइप का, मतलब डायग्रामेटिक वे में समझाऊं कि एक हीट इंजन में बच्चों एक होता है सोर्स, और प्यारे बच्चों एक होता है सिंक, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेंगे। और यहां बीच में कहीं हमारा इंजन, वैसे तो पूरी बॉडी को ही इंजन बोलते हैं। सोर्स मान लो टेम्परेचर T1 पे है, सिंक मान लो टेम्परेचर T2 पे, जितना बोल रहे पहले छाप लो, सोर्स T1 पे, सिंक T, जितना बोल रहे पहले छाप लो, है ना, T2 पे। यहां सोर्स से मैंने इंजन को हीट दी Q1, पूरी हीट से इंजन वर्क नहीं कर पाया, कुछ वर्क किया इसमें से W, इसके नेगेटिव पॉजिटिव, टोटल वर्क पॉजिटिव, कुछ कर लिया, ठीक है। पूरी हीट वर्क में चेंज नहीं हुई, थोड़ी सी हीट सिंक में निकल गई Q2, समझ में आया। जब वापस आता है तो हीट जो रिजेक्ट हुई वो सिंक में चली गई Q2। डेफिनेटली यहां पे T1 ग्रेटर देन T2 होगा, क्योंकि हीट फ्लोस फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये जो हीट Q1 आपको दी गई है पेट्रोल जलाकर, इस हीट को आपने दो तरह से इस्तेमाल किया, एक तो गाड़ी चलाने के लिए और दूसरा अपना इंजन पे रोटी सेकने के लिए। मतलब वो आप चाहते नहीं थे बट वो हो गया, यही सेकेंड लॉ है, वो होगा, हीट रिलीज होगी। यानी ये Q1 इन दोनों से मिलके बना, यानी हम बोल सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2। तो यहां से Q1 माइनस Q2 इज वर्क डन। बड़ा सिंपल है यार, ये वर्क डन क्या है, जितनी हीट मिली उसमें से ये चली गई, तो वर्क डन कितनी हीट से हुआ, ये माइनस ये से, इतनी मिली इतनी चली गई, तो वर्क डन ये माइनस ये वर्क डन आपने किया। अब बोला जाता है इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है। ए क्या बोलता थी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बता, एफिशिएंसी का फॉर्मूला भाई, एफिशिएंसी होती है बच्चों की कितना वर्क किया भाई, कितना वर्क आउटपुट है, वर्क डन कितना है। गाड़ी चलाना ही तो वर्क है ना,
इंजन गर्म करना तो वर्क नहीं है, वर्क डन कितना है डिवाइडेड बाई आपने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, उसके लिए आप कितना पेट्रोल जला रहे हो, आप कितनी एनर्जी ले रहे हो, उसमें से कितना यूजफुल वर्क कर रहे हो। ये तो वर्क नहीं है ना जो हीट रिलीज हो रही, यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क डन इज डब्ल्यू एंड हीट एब्जॉर्ब इज क्यू वन। कई लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दो यार, है ना, फिर परसेंटेज में आएगी एफिशिएंसी। ये मैंने फ्रैक्शन में बता रखी है, समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन में 0.7, परसेंटेज में 70, फ्रैक्शन में 0.5, परसेंटेज में 50। यानी एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की जगह लिख सकते हैं क्यू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। यानी एफिशिएंसी का फाइनल फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, क्यू वन बाई क्यू वन इज वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन, दिस इज नॉट कैरनॉट्स हीट इंजन, नो 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 नो, मैंने ऐसा नहीं कहा, दिस इज एनी हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी एकदम समझ में आया, एकदम मस्त बढ़िया, हीट लिया उससे कुछ एक्सपेंशन हुआ, उससे वर्क हुआ, कुछ हीट रिजेक्ट हो गई पीछे आते वक्त, और फिर मैंने कहा एफिशिएंसी क्या है, जितना वर्क कर पाए अपॉन कितना इनपुट दिया था, वर्क डन डब्ल्यू ये लालू लालू ला, क्लियर, वन माइनस W by Q1, Q1 minus Q2 by Q1, Q1, Q1 by 1 minus Q2 by Q1, 1 minus Q2 by Q1, है ना? Oh, you are my Q2, clear हो गया? Note करें, हो गया है? समझ में आया है? ही सर कितना प्यारा है ना? दिल आ गया मेरा, चुरा के दिल मेरा, Carnot चला, डुंग 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 मुझे क्या पता कहाँ वो चला, डुंग। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज कॉन्सेंट्रेट सर, दिस इज नॉट डन, ओके लेट्स गो टू Carnot। यहां तक क्लियर है, हीट इंजन की कहानी क्लियर है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं Carnot's हीट इंजन की, Carnot's हीट इंजन। अब ये भाई साहब क्या थे, मतलब इनको अलग ही एक कहानी थी, मतलब ये भाई साहब ये सर जी जो भी थे, इन्होंने कहा हम दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन बनाएंगे, 1800 सेंचुरी में बोल रहे हैं हम दुनिया का मोस्ट एफिशिएंट इंजन बनाएंगे। अब आप हंसोगे इनके ऊपर, बट सच्चाई यह है कि इनसे अच्छा इंजन आज तक नहीं बना। रीजन यह था कि इनका इंजन हाइपोथेटिकल है, इट इज एन इमेजिनरी इंजन, इट इज एन हाइपोथेटिकल, मनगढ़ंत इंजन इन्होंने बनाया, एक थ्योरी बनाई कि दुनिया में कभी इससे अच्छा इंजन नहीं बन सकता, और जो भी इंजन मेरे इंजन को फॉलो करेगा उसकी एफिशिएंसी मेरे इंजन के एग्जैक्टली बराबर होगी। इन्होंने दुनिया का एकमात्र हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल इंजन बनाया, कैसा इंजन बनाया, रिवर्सिबल इंजन, सारे प्रोसेस रिवर्सिबल, ऑल प्रोसेस इन दिस इंजन वर रिवर्सिबल, मोस्ट एफिशियंट। इनके इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो मैक्सिमम थी ऑफ एनी सच इंजन, अभी समझाएंगे, विच वर्क्स बिटवीन, थोड़ी कहानी ऐसा थोड़ी हवा में बात करें, बिटवीन सेम टू टेम्परेचर T1 एंड T2, मतलब सोर्स टेम्परेचर सिंक टेम्परेचर अगर T1 T2 कोई रखेगा जो इन्होंने रखा, तो इनके इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं ला सकते, इतनी ही ला सकते हो यदि सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएं। इन्होंने चार साइक्लिक प्रोसेस जो अपने इंजन में चूज किए या बताए वो कुछ इस प्रकार थे। इन्होंने अभी मैं करके दिखाऊंगा पूरा डायग्रामेटिकली कि कैसे 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 प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे, अभी थोड़ा समझाते हैं ग्राफ में। इन्होंने कहा कि सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये इनकी कहानी थी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इनका इंजन था। इन्होंने चार प्रोसेस बोले, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये हुई आधी साइकिल जहां तक एक्सपेंशन हो रहा था किचिक किचिक किचिक। इसके बाद इन्होंने बोला आइसोथर्मल कंप्रेशन वापस आए, और उसके बाद लास्ट स्टेप इज एडियाबैटिक कंप्रेशन।
तो मोस्ट एफिशिएंट इंजन इन्होंने बनाया, देखो साइक्लिक प्रोसेस है, दो स्टेप थे एक्सपेंशन के, दो स्टेप थे कंप्रेशन के, यहां से यहां तक में हीट ऐड होगी गैस को, यहां से यहां में हीट रिलीज होगी बाहर, क्लियर है? यहां से यहां हीट ऐड हुई, यहां से यहां रिलीज, उन दोनों हीट का डिफरेंस होगा वर्क डन। पर मेरी अब यहां से आपको रिकमेंडेशन है कि यदि आपको आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे या अपनी किताब पे या अपनी कोचिंग में अपने स्कूल में आप आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ के ही इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है। मैं इसके अंदर के वर्क डन की बात, इंटरनल एनर्जी की बात, हीट की बात एकदम तेजी में करूंगा, मैं उसमें कोई पीछे नहीं जाऊंगा बात में। तो या तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट करिएगा, नोट करिएगा जहां पर बताऊंगा वर्क डन का फॉर्मूला ऐसा, या तो आप लेक्चर देख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स 07 आई थिंक 06 थर्मोडायनेमिक्स 06 आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ठीक है, कैरनॉट की कहानी समझ में आई। और कैरनॉट ने कुछ बढ़िया सी चीज प्रूफ की, कैरनॉट ने प्रूफ किया भाई साहब जो एफिशिएंसी आप बोल रहे थे 1 - Q2 / Q1, उस एफिशिएंसी को मैं प्रूफ करता हूं 1 - T2 / T1, वेयर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। यदि आप भूल गए हो तो मैं इसको मिटार के एक बार दिखा दूं, नोट कर लिया है, मोस्ट एफिशिएंट इंजन मैक्सिमम ऑफ एनी सच इंजन विच वर्क्स बिटवीन सेम टू टेम्परेचर T1 and T2, और यदि कोई सेम प्रोसेस फॉलो करेगा तो सेम एफिशिएंसी। तो इन्होंने बोला कि यदि यहाँ पे सोर्स है टेम्परेचर T1, यदि यहाँ पे सिंक है टेम्परेचर T2। मैं बहुत प्यार से इस लेक्चर को ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा। ये हमारा इंजन, इंजन रे, यहाँ से हीट आई Q1, यहां रिजेक्ट हो गई हीट Q2 और यहां से वर्क हुआ W। तो इन्होंने बेसिकली बोला कि आप बोल रहे थे एफिशिएंसी है कितना वर्क हुआ अपॉन कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, फिर वर्क को आपने लिखा Q1 - Q2 / Q1, फिर आपने बोला 1 - Q2 / Q1। इन्होंने कहा इसी को हम बोलेंगे 1 - T2 / T1, प्रोवाइडेड आप सारे प्रोसेस को रिवर्सिबली मेरे तरह बनाकर दिखा दो तो मोस्ट एफिशिएंट इंजन बनेगा। और इनके इंजन की एफिशिएंसी भी 100% नहीं आ पाई। जानना है क्यों नहीं आ पाई, तो थर्मोडायनेमिक्स का पिछला लेक्चर देखो, वहां पे सेकंड लॉ में ये बात हमने बता दी कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। मिटा दें, अब हम ये चीज प्रूफ करेंगे, प्रोसेस देखेंगे कैसे बना, सब पूरी कहानी स्टार्ट होगी अब इन डिटेल। चलिए, चार प्रोसेस समझ गए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक। अब कैसे अचीव होंगे ये चार प्रोसेस, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो उसके लिए मैं एक पूरा सेटअप बनाऊंगा इसका, तो कैरनॉट हीट इंजन का हाइपोथेटिकल सेटअप, सेटअप भी हाइपोथेटिकल है। देखिए जरा, ये हमसे बोलेंगे कि यहां पे साहब आप एक काम करो, आप साहब एक काम करो, यहां पे साहब आप एक काम करो, आप साहब यहां पे एक सिलेंडर में एक प्योर आइडियल गैस ले लो। साहब मिलता है आइडियल गैस प्योर? नहीं मिलता है, कोई बात नहीं आप ले लो। सर नहीं मिलता कहां से? ले लो, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल, हम मानेंगे तुम भी मानो। इसमें आप साहब एक पिस्टन लगाओ जो कि प्योरली फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो। अरे साहब ये भी नहीं मिलता कहीं, नहीं तो हम तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि इसका जो बेस है इसको साहब आप परफेक्टली कंडक्टिंग मान लो। इसका बेस कैसा होना चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग, 100% कंडक्टिंग, 100% कंडक्टिंग, ठीक है। और जो इसकी साइड्स हैं और जो ये पिस्टन है ये परफेक्टली इंसुलेटिंग हो। कैसा हो? परफेक्टली इंसुलेटिंग। क्या ये दिखाई पड़ रहा है छोटू सा डायग्राम? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, हाय आज बनेंगे किसी के शैया। आप सब खुश होते हुए अपने छोटे भाई को घर में ढूंढते हुए, छोटे भाई आज मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा। तो देखिए परफेक्टली इंसुलेटिंग, एक तो आपको ये चीज चाहिए, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है। क्या है? वर्किंग सब्सटेंस, यही एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके बाद आपको एक सोर्स चाहिए होगा जो हीट देगा, एक सिंक चाहिए होगा जिसमें आप हीट रिजेक्ट करोगे, और एक बीच में स्टैंड चाहिए होता है। तो बच्चों सोर्स ये रहा सोर्स, ठीक है। सोर्स को बोला गया कि परफेक्टली कंडक्टिंग बनाइए, दिस सोर्स इज परफेक्टली कंडक्टिंग, 100% कंडक्टिंग या डायाथर्मिक जिसको बोलते हो आप।
परफेक्टली कंडक्टिंग, 100% कंडक्टिंग, और इसके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी मतलब कि यदि सोर्स का टेम्परेचर T1 है और उसमें से तुम कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करो तो सोर्स का टेम्परेचर चेंज ना हो, है ना। किसी चीज से हीट निकालोगे टेम्परेचर फॉल करेगा ना, ना। सोर्स हमारा ओशन ऑफ एनर्जी है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट हीट को रखने की कैपेसिटी है उसके अंदर, कितनी भी हीट निकालो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसी तरह का, इसी बिरादरी का आप एक सिंक लेंगे, ऐसा ही ढीड सिंक जो कि परफेक्टली कंडक्टिंग होगा, परफेक्टली कंडक्टिंग होगा, जिसका टेम्परेचर इन्होंने बोला T2, और ये भी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का, यानी इसको कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कितनी भी हीट दे दो, सिंक में जितनी भी हीट दो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, परफेक्टली कंडक्टिंग यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप एक स्टैंड लेंगे, ठीक है। जिंदगी में स्टैंड नहीं लेना है, जिंदगी में स्टैंड अगर आप ले लेते तो क्या ही बात थी, तब आप कुछ कर जाएंगे लाइफ में। यहाँ पर एक स्टैंड लेना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्टैंड को मैंने परफेक्टली इंसुलेटिंग बनाया है, परफेक्टली इंसुलेटिंग, परफेक्टली एडियाबैटिक भी बोल सकते हैं आप। ये चार चीज की हमको जरूरत पड़ेगी और चारों हमारी हाइपोथेटिकल चीजें हैं। अब इसके बाद हमारे चार स्टेप होने हैं, तो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन विच इज, आप इस सब्सटेंस को लेंगे और इसको सोर्स के ऊपर रखेंगे। आपने ये सब्सटेंस लिया, यार मैं इसमें बहुत मतलब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कई टीचर्स तो ये बता भी नहीं रहे। आपने इसको लिया और इसको सोर्स के ऊपर रख दिया, ठीक है, कहाँ पे रख दिया, सोर्स के ऊपर रख दिया। सोर्स हमारा कैसा है, परफेक्टली कंडक्टिंग, इसका बेस भी कैसा है, परफेक्टली कंडक्टिंग, यहाँ से परफेक्टली इंसुलेटिंग, वगैरह वगैरह, बार बार ये सब बातें रिपीट नहीं करूँगा। सोर्स का टेम्परेचर T1, इस स्टेप में क्या होगा, ये यहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब सवाल है क्यों करेगा, अब सुनो, इसके ऊपर हम छोटे 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 इनफाइनाइटली स्मॉल वेट रखे रहेंगे, छोटे 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 इनफाइनाइटली स्मॉल वेट रखे रहेंगे। इन वेट को हम एक एक करके हटाएंगे, इन वेट को हम एक एक करके हटाएंगे, जैसे इस वेट को हटाओगे गैस एक्सपैंड करेगी, एक करके इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत धीमे धीमे, स्लोली 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 रिमूव वेट, और स्लोली हम एक एक इनफाइनाइटली स्मॉल वेट, बहुत छोटे से सब डीएम 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 हटाएंगे। जब हटाएंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, बच्चों गैस एक्सपैंड करेगी तो उसको वर्क करना पड़ेगा, वर्क, ये वर्क करने के लिए या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करे तब उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, या तो वो यहां से हीट एब्जॉर्ब करे। अब जरा आप देखो, ये बेस परफेक्टली कंडक्टिंग है, प्रोसेस स्लोली हो रहा, कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस वेरी स्लोली और परफेक्टली कंडक्टिंग कंडीशन में होता है, आइसोथर्मल। तो यहां पे जो स्टेप वन में प्रोसेस हो रहा है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज आइसोथर्मल, सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे पास, प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास हो रहा है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल बोले तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और गैस एक्सपैंड कर जाएगी, आई रिपीट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और गैस एक्सपैंड कर जाएगी। मान लेते हैं गैस का इनिशियल स्टेट है P1 V1 T1, तो वो एक्सपैंड करके अपने प्रेशर और वॉल्यूम को तो चेंज करेगी, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी। मैं यहां बना रहा हूं ग्राफ छोटा सा, उसको बाद में बड़ा कर लेंगे। पीवी मान लेते हैं ये इनिशियल स्टेट था गैस का, ये तो गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, यहां से गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड की, देखो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर चेंज हुआ P2, वॉल्यूम चेंज हुआ V2, टेम्परेचर रहा T1, क्योंकि आइसोथर्मल। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज टेकिंग प्लेस, छोटे छोटे वेट को धीमे धीमे हटाएंगे, गैस एक्सपैंड करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना एक्सपैंड करना चाहेगी उतनी हीट मिल जाएगी, प्रोसेस बहुत स्लो है। एक वेट हटाया उतनी हीट आई, दूसरा वेट हटाया और हीट आई, इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, क्लियर है। जो हीट आ रही वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पा रही, जो हीट आ रही वो वर्क में जा रही, जो वर्क हो रहा वो इंटरनल एनर्जी से एनर्जी नहीं खींच रहा, वो हीट से एनर्जी खींच रहा, क्लियर। इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज स्टेप वन। नाउ वी कम टू स्टेप टू। स्टेप टू में आप इसी को उठाकर स्टैंड के ऊपर रख देंगे,
और छोटा बना दो सर, बना ही दो छोटा, हम तो चश्मा लेके देख रहे हैं वीडियो आपका। एक तो सर हम छोटे से मोबाइल में आपका वीडियो देखें, ऊपर से सर उसमें आप छोटा छोटा बनाओगे। तो ये हमने रखा है स्टैंड पे। प्यारे बच्चों, जब हमने इसको स्टैंड पे रखा, जब हमने इसको स्टैंड पे रखा और इसके ऊपर से वेट अभी भी हमने हटाना बंद नहीं किया, स्टैंड है परफेक्टली इंसुलेटिंग, यानी स्टैंड इसको ना हीट देगा ना इससे हीट लेगा, ना हीट दे सकते हैं ना ले सकते हैं, कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक। तो यहां जो भी होना है, पहली बात तो एडियाबैटिक तरह से होगा, जायज तरह से एडियाबैटिक। दूसरी चीज, आप वेट लगातार अभी भी हटा रहे हो, आप उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, और अब आप पता है जल्दी जल्दी वेट हटा रहे हो, वेरी फास्ट, गुजू 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 गुजू। जब आप कोई प्रोसेस वेरी फास्ट करो और परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री हो, तो प्रोसेस बच्चों एडियाबैटिक ही होता है। आप वेट हटाओगे अभी भी गैस एक्सपैंड करेगा। सवाल आता है कि ये और ये करके दिखाओ, ये एक्सपेंशन कहां से हुआ, मतलब ये वर्क कहां से हुआ, ये वर्क हुआ इंटरनल एनर्जी से है? आपने खाना नहीं खिलाया इसको, पर इसने कुछ एनर्जी स्टोर करके रखी थी, इंटरनल एनर्जी। तो अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके इसने खुद को एक्सपेंड किया, यानी वर्क अभी भी हुआ है, पॉजिटिव साइकिल चल रही है अभी, वर्क अभी भी हुआ। आपने बाहर से हीट देना बंद किया, इसने अपनी इंजन ने अपनी स्टोर हुई हीट से वर्क किया, अभी भी ये एक्सपेंशन करेगा, दिट विल बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस टू लाइक दिस। ऐसा यहां पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिखाई पड़ रहा है, अभी इसको बड़ा बनाऊंगा, बहुत सुंदर सा। प्रेशर चेंज हुआ पी टू, वॉल्यूम चेंज हुआ वी टू, और टेम्परेचर भी चेंज हुआ टी टू। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में सब चेंज होता है, पी वी टी। क्लियर, दो स्टेप हो गए। अब आया स्टेप नंबर थ्री। क्या यहां तक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? मैं जरा कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, सो दैट वी कैन सी अप टू द बॉटम। ओके फाइन, नाउ वी कैन सी। ओके, स्टेप नंबर थ्री पे आते हैं। स्टेप नंबर थ्री में क्या करना है? अच्छा, अब सुनो, अब इसको एक्सपेंड तब तक करना जब तक इसका टेम्परेचर फॉल करके टी टू पे ना पहुंच जाए, जो कि सिंक का टेम्परेचर है। ये इनकी थ्योरी थी। भाई साहब, आप इसमें से वेट हटाओगे तो ये एक्सपैंड करके वर्क कर रहा है, तो एनर्जी कहां से खींच रहा है? इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी से एनर्जी खींचेगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा, तो तब तक ये काम करते रहना जब तक इसका टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। क्लियर है? ये अपने मन के ऊपर है, तब तक एक्सपैंड करो अंटिल टेम्परेचर रीचेस टू टी टू, फॉल करते हुए टी टू पहुंच जाए। अब स्टेप नंबर थ्री पे आए, हमने फिर से यही उठाया अपना, चल मेरे भाई चल मेरे भाई चल मेरे भाई चल चल चल, च्यूं च्यूं च्यूं, कहां से करूं मैं? आ, छिछी छिछी। अच्छा, तो इसके बाद इसको मैं रखने जा रहा हूं सिंक पे। टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आएगा। सर बड़ा टेंशन, अरे नहीं लेना भाई, सिंक पे हमने रखा इसको, सिंक पे। बच्चों, सिंक का टेम्परेचर टी टू, इसका टेम्परेचर टी टू, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी ऐसा आपको लग रहा है, बट सी इट इज परफेक्टली कंडक्टिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ही क्या है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एक्सचेंज हो जाए। किस पे हो जाए? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। तो आपने इसको सिंक पे रखा और इसके ऊपर जो वेट है, जो आप हटा रहे थे, मान लेते हैं वेट हट गए थे, आप लगातार वेट हटा रहे थे, कितने वेट हैं यार सर, अब तो कुछ तो कम करो सर, तब से वेट हटा रहे हैं, वेट है कि खत्म ही नहीं हो रहा, मान लो कम हो गया वेट। अब आप वापस इसके ऊपर वेट रखना स्टार्ट करोगे वेरी स्लोली यू विल अगेन पुट वेट्स। अब प्यारे बच्चों मेरे, जब आप इसके ऊपर वेट रखना स्टार्ट करोगे तो यह दबना स्टार्ट, वेरी स्लोली प्रोसेस हो रहा है, और सिंक कैसा है? परफेक्टली कंडक्टिंग। इसका बेस कैसा है? परफेक्टली कंडक्टिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग और स्लोली कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल, यानी अब होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब सुनो, जब आप इसको ऊपर वेट रखते जाओगे दबता जाएगा। वेट रखा धीमे धीमे दबता गया। जब ये दबेगा तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वो हो गई, देखो आगे तक पहुंच गए, वापस आ रहे हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।
अब ये वर्क या तो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, या तो हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। अब आपने परफेक्टली कंडक्टिंग लिया, यानी इस टाइम हीट रिजेक्ट होगी। इस प्रोसेस में देखो हीट एब्जॉर्ब हुई है, यहां से यहां हीट एब्जॉर्ब हुई थी। आप वेट उठा रहे थे, इसको एक्सपैंड करना था, तो कैसे एक्सपैंड किया, यहां से हीट लेकर, कंडक्टिंग है ना, हीट जितनी चाह ले लिया। अब आप वेट रख रहे हो, ये दब रहा है दब रहा है दब रहा है दब रहा है दब रहा है, तो इसको हीट रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भरती जा रही है और परफेक्टली कंडक्टिंग है तो एनर्जी निकलती जा रही है, यानी इस स्टेप पे हीट रिलीज हुई। ये हम नहीं चाहते थे हो, पर ये होगा, यही तो बात है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मल, हीट रिलीज होगी, एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, सारी हीट से वर्क नहीं कर पाए, यानी ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। आप वेट रखते गए, ये कंप्रेस होता गया, हीट निकलती गई, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, मतलब नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसे हुई, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होंगे। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पे हम आए, मान लेते हैं यहां प्रेशर हो गया P4, P2 तो हो चुका था ऑलरेडी, छी सर, P3, V3, T2, यहां कोई बुरा तो नहीं माना, कोई माना तो अब सही कर दिया मैंने, प्रेशर चेंज हुआ P3, वॉल्यूम चेंज हुआ V3, टेम्परेचर चेंज हुआ T2। कई लोग कमेंट कर डाले होंगे अब तक, इसको सही करो नहीं सर। अच्छा, P4, V4, T2 सही है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुआ आइसोथर्मल में, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब आपने स्टेप 4 पे जाना है और इस डब्बे को, डब्बा अब डब्बा जब्बा, इस डब्बे को उठाकर रखना है वापस किस पे, स्टैंड पे रखकर इसके ऊपर तेजी से सारे वेट वापस रखने हैं, स्टैंड पे रखकर इसके ऊपर तेजी से वेट वापस रखने हैं। स्टैंड है परफेक्टली इंसुलेटिंग, आप वेट रखेंगे, इसके अंदर हीट बनेगी पर हीट बाहर रिलीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंसुलेटिंग बाउंड्री है और प्रोसेस फास्ट है। अब तेजी से वेट रखेंगे, वेट रखेंगे, ये कंप्रेस होगा, यानी दिस विल बी एडियाबैटिक कंप्रेशन, आखिरी प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या ये हम करना चाहते थे? नहीं, हम तो चाहते थे कि टायर आगे बढ़े, हम तो चाहते थे सिर्फ फॉरवर्ड साइकिल चले, पर पीछे आते वक्त तो हीट भी रिलीज हो रही, ऊपर से निगेटिव वर्क भी हो रहा। अरे आप फ्यूल के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने सब्सटेंस के ऊपर वर्क कर रहे हो, वर्किंग सब्सटेंस को आप दबा रहे हो, क्या जरूरत है? बट करना पड़ेगा, साइकिल की मजबूरी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सारे हीट से वर्क नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। देखो निगेटिव वर्क हो रहा, आप चाहते थे टायर आगे बढ़े, टायर को वापस पीछे आ रही साइकिल, देख रहे हो कंप्रेस हो रहा, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस कंप्रेस हो रहा, ये और इस बार कंप्रेशन कैसा है, एडियाबैटिक, मतलब आप इसको दबाते जा रहे हो, हीट बाहर निकल नहीं पा रही, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, आप दबाते हो, हीट बाहर निकल नहीं पा रही, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, सो एडियाबैटिक कंप्रेशन, वॉल्यूम कम होगा, ए लास्ट प्रोसेस ये रहा, इतना सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा कर्वेचर, स्यूम ये रहा लास्ट प्रोसेस, वापस पहुंच गए कहां, P1 V1 T1 पे। अब जब ये दबेगा तो इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, हैं, हीट तो रिलीज हो नहीं रही भाई, स्टैंड कैसा है, इंसुलेटिंग, बेसिस का कंडक्टिंग है पर स्टैंड तो इंसुलेटिंग, ये तो हीट लेगा नहीं ना। तो आप जब इस पे वेट रखते जाओगे, ये जो वापस जा रहा है, जब वेट रखते जाओगे बच्चों, ये दबता जाएगा और अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर वापस T2 से T1। दिस इज द होल process of Carnot's heat engine explained on a single whiteboard, which is size में कितना है मेरा whiteboard? कोई बता देता इस video को पहले, 3/4 है क्या शायद? Clear है यहाँ तक? छापेंगे इतनी बातों को, चार processes को, और जो मैंने कहानी बोली उसको दिल में रखेंगे। आँखों में बसे हो तुम, टिंग 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 टिंग, अरे आँखों में बसे हो तुम। Clear हुआ यहाँ तक? चारों चीजें आइडियल हैं, चारों प्रोसेस आइडियल हैं, पहला वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा वाला एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहली बात, पहले प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई, इसमें कोई हीट का लेना देना नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में हीट रिलीज हुई, जो कि हम नहीं चाहते थे, और चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। वर्क कहां कहां हुआ? वर्क सब में हुआ है। पहले में एक्सपेंशन पॉजिटिव वर्क, दूसरे में एक्सपेंशन पॉजिटिव वर्क, यहां से यहां तक पॉजिटिव वर्क, इसके बाद कंप्रेशन,
नेगेटिव वर्क, ये भी कंप्रेशन नेगेटिव वर्क, ये आप नहीं चाहते थे, आप तो चाहते थे कि सिर्फ ये वाला वर्क हो, बट हो रहा है ये भी नेगेटिव वर्क। तो नेट वर्क डन आएगा, ये वर्क को ऐड करके और इसको इसको माइनस करके, इन दोनों वर्क को ऐड करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल वर्क है, ये तो गैस दब रही है वापस, हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। और नेट हीट गिवन इस और इस प्रोसेस में है, सिर्फ इसमें, इसमें तो है भी नहीं, हीट गिवन इसमें है सिर्फ, और ये हीट का भी कोई काम नहीं है, रिलीज हो गई बेकार। मतलब बेसिकली दिस वॉज क्यू वन, दिस इज क्यू टू, एंड दिस होल इज द वर्क डन, साइकिल का वर्क डन निकलता है एरिया ऑफ साइकिल से। वैसे मैं पूरा निकाल के दिखाऊंगा, मजा आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया, आप कैलकुलेशन करिएगा। मिटारू जब तुमने सोचा कि ये टॉपिक खत्म, तब ये टॉपिक शुरू हुआ है बच्चों। तो ये कहानी है आपसे जल्दी, वैसे पूछी उछी नहीं जाती, फिर भी अब आपके सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ता है भैया। चलिए मैं इस पूरी साइकिल को फिर से बनाऊंगा और अब प्रूफ करूंगा कि कैनॉट्स की एफिशिएंसी 1-T2/T1 के बराबर भी आ सकती है। मैंने पूरा रियलाइजेशन आपको कराया है Q1 Q2 का, है ना? हाँ सर, कितना भाव खाओगे, रियलाइज करा दिया सर, अब डेरिवेशन भी करा ही दो सब। ओके, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, सुंदर सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा ग्राफ बन जाओ। ग्राफ खुद से नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन P1 V1 T1 से एक्सपेंड हुआ, P2 V2 टेम्परेचर सेम रहा T1। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, प्रेशर बढ़ा, P3 चेंज हुआ V3, टेम्परेचर भी चेंज हुआ T2। आइसोथर्मल कंप्रेशन, प्रेशर भी चेंज हुआ P4 V4, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ T2। एडियाबेटिक कंप्रेशन, यही है पूरी साइकिल, यही है पूरी साइकिल, यही है इस प्रोसेस में। सबसे पहले में हीट एब्जॉर्ब हुई है Q1, यहां पे हीट रिलीज हुई है Q2, और इसमें इसमें हीट का कोई लेना देना नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है एकदम। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या जरूरी है सारे हीट इंजन में यही चार साइकिल हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई भी साइकिल हो सकती है, साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, इंजन की सिर्फ यही कंडीशन है। क्लियर है बात? अब हम करेंगे कैलकुलेशन, हमें प्रूफ करना है कि एफिशिएंसी 1-T2/T1 कैसे आएगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई रे, चलिए हम इसमें निकालते हैं। सबसे पहले नाम देना पड़ेगा, ए बी सी डी नाम दे दिया मैंने, इसको बोला ए, इस पॉइंट को बोला बी, इस पॉइंट को बोला सी, इस पॉइंट को बोला डी, ए बी सी डी। चलिए सबसे पहले मैं प्रोसेस ए बी की बात करता हूँ। ए बी में हमें हीट मिली है Q1, ए बी हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है बच्चों, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर आइडियल गैस है तो उसका डेल्टा यू जीरो होता है, आपको याद होगा। आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी जीरो, और इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो डेल्टा यू जीरो, यानी यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, में डेल्टा यू मर जाएगा, इसका मतलब क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आएगा। ओके, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला आपको शायद याद हो, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज एन आर टी लॉग ई वी टू बाई वी वन, ये होता है। तो एन आर टी टेम्परेचर क्या है लगातार T1, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, log e V2 by V1, वॉल्यूम V2 by V1, सही है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, r गैस कांस्टेंट, T वो टेम्परेचर जो चल रहा है, यही W होगा प्यारे बच्चों, और यही Q होगा, यही हीट एब्जॉर्ब्ड है इस टाइम, और हीट एब्जॉर्ब करके तो एक्सपेंड किया, तो यही W है और यही Q1 भी है मेरा, यही W है यही Q1 भी है, पर ये नेटवर्क डन नहीं, ये पहले वाला का वर्क है, तो इसको W1 लिख लेता हूं, और यही Q1 बन जाएगा मेरा, विच इज इक्वल्स टू Q1। अब क्या मुझे स्टेप टू की जरूरत है? वर्क डन के लिए तो जरूरत पड़ेगी, यानी बीसी प्रोसेस देखना पड़ेगा बच्चों। बीसी प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। प्यारे बच्चों, एडियाबैटिक का मतलब होता है कोई हीट इन्वॉल्व नहीं होगी, परफेक्टली इंसुलेटिंग वाला माहौल था, क्योंकि वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। तो यहां सीधा सिर्फ वर्क डन निकालो, इंटरनल एनर्जी तो पूरी साइकिल की जीरो आएगी, मैं पहले से बता दे रहा हूं। अगर आप पूरे प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी जोड़ोगे, डेल्टा यू ऑफ ए बी सी डी, अच्छी अच्छी क्या कर रहे हो सर, डी ए आप जोड़ोगे तो वो जीरो आएगी, मुझसे लिख के ले लो, करके देख लेना। अगर चारों प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी जोड़ोगे तो जीरो आएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, जहां से चले वापस वहीं लौटा है, साइक्लिक प्रोसेस में उसका चेंज जीरो। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, जहां से चले वापस वहीं आएंगे तो इसका चेंज जीरो। खैर, वर्क डन देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन मैंने शायद आपको सिखाया हुआ है, क्या है, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस गामा, यही है। सेकंड वाले प्रोसेस में आप देखो फाइनल टेम्परेचर क्या है, टी टू, इनिशियल क्या है, टी वन,
सही है, अपॉन वन माइनस गामा, सही है। इसको हम लोग सेकेंड वर्क डन लिख लेते हैं, बोलो ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव वर्क हैं, खैर हम तो ऐसे ही लिखते जाते हैं, अपने आप सब दिखने लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, प्रोसेस सी डी। सी डी प्यारे बच्चों है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन है कि नहीं, ये सी डी आइसोथर्मल कंप्रेशन। बच्चों सी डी में भी हम बोल सकते हैं डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी पर्टिकुलर सी डी प्रोसेस के लिए। इसका डेल्टा यू चाहो तो देख सकते हो, इसका डेल्टा यू यार जो बोलना बोल, डेल्टा यू टू सेम होगी, क्या ही बताऊँ मैं। अरे यार इसका डेल्टा यू Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, यहाँ Q की वैल्यू जीरो हो गई, डेल्टा U माइनस W के बराबर होगा, यानी डेल्टा U विल बी माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन। मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये काम करने का, पर सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ऐसे किया। ये जीरो हो गया डेल्टा U इसके, मैं दिखाना चाहता हूँ कि सबका डेल्टा U जोड़ोगे तो लास्ट में जीरो ही आएगा, टेंशन मत लेना। डेल्टा U वन कितना है, जीरो, डेल्टा U टू ये है, डेल्टा U थ्री जीरो, डेल्टा U फोर इसका नेगेटिव आ जाएगा, देखना अभी। खैर यहां से हम समझ गए, यानी Q W के इक्वल हो जाएगा पहले वाले की तरह, आइसोथर्मल प्रोसेस है, Q इज इक्वल टू W, डेल्टा U जीरो हो गया, Q इज इक्वल टू W। इस प्रोसेस का बच्चों वर्क डन कितना होता है, आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, बस यहां पे वैल्यूज चेंज होगी। वर्क डन इन थर्ड प्रोसेस एन आर, टेम्परेचर कितना है इस बार टी टू, लॉग ई वी फोर बाई वी थ्री लिखेंगे इस बार, है ना, फाइनल वॉल्यूम वी फोर, इनिशियल वॉल्यूम वी थ्री। ये हुआ सी डी प्रोसेस। लास्ट हमारे पास प्रोसेस है डी ए, चलो अब उसको भी ले ही लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों। प्रोसेस डी ए, डी ए बच्चों है एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्रिस्टल क्लियर करके रहूंगा मैं, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना। एडियाबैटिक का मतलब हीट चेंज नहीं मिलेगी, यानी यहां पे भी हीट चेंज जीरो हो गई, तो हीट चेंज सिर्फ दो ही बार मिली, क्यू वन और कहां पे, यहां क्यू थ्री, ये क्यू थ्री का, ये क्यू टू होगा, अरे Q2 होगा ना, बात मानो ना, मतलब Q3 क्या है, यहाँ हीट है नहीं, ये हीट एब्जॉर्ब वाली साइकिल, ये कंप्रेशन में हीट रिजेक्ट हो रही है, तो इसको Q2 लिखते हैं, थोड़ा सा सेंस में चलो ठीक है। अच्छा फिर एडियाबैटिक नहीं समझे अभी भी, Q3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ हीट है नहीं, यहाँ नहीं, एक क्यू वन एक क्यू टू, दो ही हीट है, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक बार रिजेक्ट हो रही हीट, क्यू टू क्यू वन ऊपर से लिया, क्यू टू रिजेक्ट किया, तो सिंबल सेम रखो। क्यू जीरो हो गया प्यारे बच्चों, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन हो जाएगा, बोलो एडियाबैटिक का वर्क डन क्या है, एन आर, ये वन 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 से, यानी एन आर टेम्परेचर क्या है इस बार, फाइनल, फाइनल है डी ए में, फाइनल टेम्परेचर क्या है टी वन, इनिशियल क्या है टी टू अपॉन वन माइनस गामा। यही मैं बोल रहा था कि ये वाला वर्क और ये वाला वर्क कैंसिल हो जाएगा, ये वर्क कैंसिल हो जाएगा, ये इंटरनल एनर्जी भी कैंसिल हो जाएगी। एक्चुअल में यहां पे होता है पॉजिटिव वर्क, यहां पे नेगेटिव वर्क, और ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वो कैंसिल, उसका साइकिल पे फर्क नहीं पड़ेगा, देखना। ये देखो ये और ये टर्म देखो, परफेक्टली नेगेटिव। इस तरह से यहां का जब डेल्टा यू निकालोगे बच्चों, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्यू जीरो हो जाएगा, आराम से, एडियाबैटिक का मतलब Q0 हो जाएगा, तो डेल्टा U होगा माइनस W, यानी माइनस W, यानी यहां पे माइनस एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन वन माइनस गामा डेल्टा U4। अब आप अपने आप मुझे नेट वर्क डन और नेट इंटरनल एनर्जी, जिसका इस्तेमाल नहीं है हमें, तो भाई अच्छा हमें एफिशिएंसी में किस चीज से, हम तो दिखाने को आपको सब कुछ दिखा रहे ताकि आप कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। एफिशिएंसी में हमें वर्क डन से मतलब है और हीट एब्जॉर्ब्ड से मतलब है। एफिशिएंसी क्या, कितना वर्क हुआ आउट ऑफ कितनी हीट एब्जॉर्ब की, हमें सिर्फ इससे मतलब था। फिर भी आप जरा सारी इंटरनल एनर्जी जोड़ो, देखो जीरो आ रही कि नहीं, यहां जीरो, सेकेंड प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज दिस, ठीक है, थर्ड प्रोसेस इंटरनल एनर्जी जीरो, फोर्थ प्रोसेस इंटरनर्जी इज दिस, यानी सेकेंड और फोर्थ को जोड़ना है क्या, फोर्थ दिखाई पड़ रही है, जरा मैं कैमरे के पीछे आके फोर्थ को दिखाऊं, जी हाँ दिखाई पड़ रही है, जरा सेकेंड और फोर्थ को जोड़ो, माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन माइनस एन आर टी वन माइनस टी टू, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, कैंसिल। यानी अगर चारों इंटरनल एनर्जी को मैं जोड़ूं, इसको 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 और इसको, तो जीरो आ रहा, इसका मतलब जो किया है वो सही है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनर्जी जीरो। अब मैं कहता हूं टोटल वर्क डन निकालो, तो भाई साहब वर्क डन यहां पे हुआ है और वर्क डन यहां पे हुआ है और वर्क डन यहां पे हुआ है और वर्क डन यहां पे हुआ है, यानी चार तरह के वर्क डन है और Q1 हमारे सामने है, बाकी किसी चीज की जरूरत आपको नहीं है खास। जब सारे वर्क डन जोड़ोगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये,
तो ध्यान से देखो वर्क डन यहां भाई हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है नेट वर्क डन, कितना टोटल काम किया, कुछ पॉजिटिव वर्क किया कुछ भैया नेगेटिव किया पीछे आ गए। तो जब टोटल वर्क जोड़ोगे तो देखो ये और ये भी कैंसिल होंगे, ध्यान से एनआर टी टू माइनस टी वन एनआर टी वन माइनस टी टू अपॉन वन माइनस गामा अपॉन, यानी ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी वर्क डन जब जोड़ोगे तो एक तो ये आएगा और एक तो ये आएगा, बस ये और ये दोनों का वर्क डन। देखो ना टोटल वर्क डन जोड़ोगे तो W1 प्लस नेट वर्क डन, व्हाट इज नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस वर्क तो हर बार हुआ है ना, एक्सपेंशन एक्सपेंशन कंप्रेशन कंप्रेशन। मैं कह रहा हूं कि W2 और W4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, देखो ना नेगेटिव है एक दूसरे के, तो W2 और W4 कैंसिल हो गए एक दूसरे से। अब बचा क्या W1 और W3, तो नेट वर्क डन W1 इसको मिटा दूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और Q1 तो दिख ही रहा है तो एफिशिएंसी में इन बाकी टर्म से मतलब नहीं। सर आपने क्यों लिखा था ये? अब देखो न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जब होगी ना टॉपिक की तभी न्यूमेरिकल हिलेगा अच्छे से, बढ़िया न्यूमेरिकल के लिए आपको पूरा आना चाहिए। तो अब मैं नेट वर्क डन जब निकालूंगा W नेट, तो मैं बोल सकता हूं W1 प्लस W3 ये दोनों तो कैंसिल हो गए, so W1 is n r t1 log e v2 by v1 plus n r t2 log e v4 by v3। मैं क्या बोला, यहां का वर्क और यहां का वर्क कैंसिल हो जाता है, यहां की इंटरनल एनर्जी भी चेंज भी कैंसिल, यहां इंटरनल एनर्जी जीरो यहां जीरो, यहां वर्क डन पॉजिटिव यहां नेगेटिव, वो अभी नेगेटिव दिख नहीं रहा लॉग के अंदर, वो अपने आप नेगेटिव होता है, टेंशन नहीं लो, लिख लिया मिटा दूं इसको भी, बहुत बढ़िया। हमें मतलब है नेटवर्क डन और हीट एब्जॉर्ब से, हीट एब्जॉर्ब हमारे पास ये रही यहाँ पर, जरा हम एफिशिएंसी ये हीट एब्जॉर्ब है Q1 की वैल्यू दिख रही है। अब जरा एफिशिएंसी हम निकालने की कोशिश करें, नेटवर्क डन दिस प्लस दिस एन आर टी वन लॉग ई वी टू बाय वी वन प्लस एन आर टी टू लॉग ई वी फोर बाय वी थ्री डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब्ड, ये रही हीट एब्जॉर्ब्ड एन आर टी वन लॉग ई वी टू बाय वी वन। प्रूफ से मजा आ गया, एकदम अंदर का प्रोसेस क्लियर हो गया। मैं अब ये सब मिटार दूं, हीट एब्जॉर्ब यही थी लिख दिया, ये लिख दिया मिटार दूं, बहुत बढ़िया। अब समझो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये दुविधा कैसे हटने वाली है। पहले तो आप देखो एनआर 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 मर जाएगा, ठीक है एनआर 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 मर गया। अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो वन आएगा, कोई डाउट तो नहीं है, टी वन लॉग ई वी टू बाई वी वन वन प्लस, अब क्या बचा टी टू बाय टी वन, ऊपर बचा लॉग ई वी फोर बाय वी थ्री, नीचे बचा लॉग बेस ई v2 by v1। I don't have any objection up to here. Do you have any objection? Yes sir, बहुत छोटा लिखा है, मैंने भी कैमरे के पीछे जाकर देखा और समझा कि तुमने जो बोला वो सही है। t1 ये पूरा कैंसिल, 1 प्लस t2 by t1, ऊपर बचेगा log e v4 by v3 और नीचे बचेगा log e v2 by v1। मुझे प्रूफ करना है 1 माइनस टी टू बाई टी वन एफिशिएंसी की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू माइनस वन आनी चाहिए, 1 माइनस यानी ये वैल्यू माइनस। अब समझो, अब यदि आपको याद हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आइसोथर्मल एडियाबैटिक आना चाहिए। पहला प्रोसेस देखें तो हम, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल है तो हम लिख सकते हैं P1 V1 is equals to P2 V2। दूसरा प्रोसेस देखें एडियाबैटिक है तो हम लिख सकते हैं P2 V2 की पार गामा is equals to P3 V3 की पार गामा। तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल हम लिख सकते हैं P3 V3 की पार गामा is equals to, सॉरी आइसोथर्मल हम लिख सकते हैं P3 V3 is equals to P4 V4। आइसोथर्मल के लिए P1 V1 is equals to P2 V2 निकल लिया। लास्ट प्रोसेस डीए फिर एडियाबैटिक है तो हम लिखेंगे P4 V4 की पार गामा इज इक्वल्स टू P1 V1 की पार गामा। यहां किसी को प्रॉब्लम? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV कांस्टेंट, एडियाबैटिक के लिए PV की पावर गामा कांस्टेंट। दिखाई पड़ रहा है पूरा बोर्ड? बहुत बढ़िया। एक काम करो, इन चारों को मल्टीप्लाई कर लो,
चारों के LHS, चारों के RHS मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ आएगा P1, P2, P3, P4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ P1, P2, P3, P4 मल्टीप्लाई होंगे, कैंसिल होगा, समझ रहे हो, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई 1 × 2 × 3 × 4, तो भाई साहब इस तरफ आएगा P1 V1 P2 V2 की पावर P3 P3 इधर P, यानी P1 P2 P3 P4 इधर आएगा, P1 P2 P3 P4 इधर आएगा, कैंसिल, बचेगा क्या इस तरफ, V1 V2 की पावर गामा, V3 V4 की पावर गामा, RHS में V2 V3 की पावर गामा, V4 V1 की पावर गामा, सिमिलर टर्म्स को सेम साइड लाओ, V2 की पावर गामा और एक V2 इधर लाए, तो V2 की पावर गामा -1, V4 की पार गामा और V4 इधर लाए, तो V4 की पार गामा -1, V3 की पार गामा और V3 इधर लाए, V3 की पार गामा -1, V1 की पार गामा और V1 इधर लाए, V1 की पार गामा -1, यानी इधर भी टोटल पार गामा -1, इधर भी पार गामा -1, तो 1/γ-1 से दोनों तरफ पावर ले ली, पावर खत्म, सो V2 V4 इज इक्वल्स टू V3 V1, सही है, V2 V4 इज इक्वल्स टू V3 V1। अब देखो क्या वो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है कहीं से, बिल्कुल मिल रहा है, V2 by V1 इज इक्वल्स टू V3 by V4, देखो ध्यान से, V2 by V1 इज इक्वल्स टू V3 by V4। अब यहां मेरे पास V4 by V3 है, V2 सही हो जाएगा, टेंशन हो गई, V3 by V4, टेंशन नहीं है, देखो क्या इसको मैं V3 by V4 की पार -1 लिख सकता हूं, V4 by V3 लिखा था, इसको मैं V3 by V4 की पार -1 बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्या log की पार -1 बाहर की तरफ आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, अब देखो V3 by V4 और V2 by V1 सेम क्वांटिटी है, यानी ये log x तो ये भी log x कैंसिल, यानी फाइनली वी गेट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 − T2 / T1, प्रूव्ड, चका क्लियर हुआ, तो ये तो बात थी प्रूविंग की, अब थोड़ा और कंसेप्ट समझ के इसके न्यूमेरिकल हिलाते हैं, क्लियर है पूरा, मस्त एकदम, मैंने चार प्रोसेस की इक्वेशन लिखी, चारों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वहां सब्स्टिट्यूट किया, बहुत बढ़िया, तो मैंने इन डिटेल आपको पूरा ऑपरेशन करके कैनॉट्स हीट इंजन अंदर तक दिखाया, सारे प्रोसेस इन्होंने बोले कि रिवर्सिबल है, सारे प्रोसेस 100% एफिशिएंट है और सबके सब हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी है। खैर, तो कैनॉट्स हीट इंजन से एक और बात सामने आती है और वो ये है, जल्दी समझाता हूं मैं बनाकर, कि ये मान लो सोर्स है और ये मान लो सिंक है, टेम्परेचर T2 सिंक का और सोर्स का टेम्परेचर T1, यहां मेरा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सुंदर सा इंजन है, इसने हीट ली Q1, इसको हीट मिली Q2, बीच से कुछ हीट का हुआ वर्क, अब अंदर कहानी है वर्क कैसे कैसे हुआ, अभी बाहर से दिख नहीं रहा, सिंपल, तो वर्क डन क्या है, जितनी हीट एब्जॉर्ब की माइनस जितनी रिलीज की, Q1 − Q2, यही तो वर्क है। और हमने देखा कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन हीट टेकन, यानी Q1 − Q2 / Q1, यानी 1 − Q2, मैं बार बार क्यों कर रहा हूं ताकि आपको रट जाए, और अभी हमने कैरनॉट से प्रूफ कर लिया यही एफिशिएंसी इक्वल है 1 − T2 / T1 किया, यानी हम कह सकते हैं अब कि Q2 / Q1 इज इक्वल्स टू T2 / T1, दिस इज ऑल्सो कैरनॉट्स थ्योरम, यस, दिस इज ऑल्सो कैरनॉट थ्योरम। कैरनॉट थ्योरम क्या है, कैरनॉट थ्योरम एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सी डेफिनेशन है ना उसके अंदर, कई लोग ने बता रखा अपने अपने तरह से, जैसे अभी हम थोड़ी देर बताएंगे कि क्लॉसियस ने कैसे बताया, अभी कैरनॉट ने कैसे बताया सेकेंड लॉ को, उन्होंने कहा इफ देयर इज अ हीट इंजन विच इज परफेक्टली रिवर्सिबल एंड विच हैज नो लॉस ऑफ हीट अदर देन रिजेक्शन टू द इंजन, इंजन को रिजेक्ट होने के सिवा छोड़ के कहीं कुछ लॉस, मतलब इनको पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर T2 and T1, इट विल हैव एफिशिएंसी ऑलवेज 1 − T2 / T1, एंड नो इंजन इन दिस यूनिवर्स बिल्ट एवर कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन दिस इफ इट इज वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T2 and T1।
ठीक है, और ये लॉ काफी इनका करेक्ट है, कैनॉट थ्योरम। क्लियर है सब बातें? चलिए अब कैनॉट हीट इंजन पे आपको एक दो सवाल और उसके बाद पढ़ाते हैं आपको रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट। ठीक है, आप इसको एक दो बार बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करके आप, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। तो एक कैनॉट हीट इंजन है बच्चों, जिसके सोर्स का टेम्परेचर हमको दिया है 227 डिग्री सेल्सियस और जिसके सिंक का टेम्परेचर हमको दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। हमसे बोला है जो हीट एब्जॉर्ब्ड है फ्रॉम सोर्स, हमसे बोलता है वो है 10 की पावर 4 जूल। हमसे पूछता है व्हाट इज द वर्क डन पर साइकिल, लेट मी चेक द वैल्यूज, इफ द वैल्यूज आर करेक्ट 227 127, एग्जैक्टली करेक्ट। व्हाट इज द वर्क डन पर साइकिल, ऑप्शन आर, ऑप्शन है, पॉज करके उसे ट्राई करेंगे। ऑप्शन है, ऑप्शन है 1000 जूल, 2000 जूल, 3000 जूल, 4000 जूल। व्हाट इज द वर्क डन पर साइकिल। तो धीमे धीमे इसको खाना है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है। कंसेप्ट पे चलिएगा, भागिएगा नहीं। चलिए पहली बात तो टेम्परेचर आपको केल्विन में रखने हैं हमेशा, तो सेल्सियस में मत फंसिएगा। टेम्परेचर को चेंज करेंगे, प्लस 273, 200 200 400, ये हुआ 500 केल्विन, प्लस 273, 200 और 100 300, ये हुआ 400 केल्विन। ठीक है, अब आपको हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स, सोर्स से कौन सी हीट एब्जॉर्ब होती है, Q1, आपको Q1 दे रखा है। आपसे पूछा है वर्क डन पर साइकिल, मतलब आपको Q1 माइनस Q2 निकालना है। क्या हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं, Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। तो T2 बच्चों, सिंक टेम्परेचर को T2 बोलते हैं, सोर्स को T1, 500 बटे 400, तो 5/4 मिल गया हमको Q2 बाई Q1, 5/4। आपको चाहिए क्या, वर्क डन पर साइकिल चाहिए प्यारे बच्चों। वर्क डन क्या होता है, Q1 माइनस Q2 होता है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, T2 बाई T1, तो T2 कितना है अपना 400 और T1 कितना है 500, अब सही है। तो आपको चाहिए वर्क डन, प्यारे बच्चों वर्क डन पर साइकिल होता कितना है, Q1 माइनस Q2। यहां से Q1 माइनस Q2 कैसे निकाला जाए, बहुत से तरीके हैं। एक तो आपको Q1 पता ही है, यहां Q1 की वैल्यू रख दो फिर Q2 की वैल्यू, एक ये तरीका है, मैं और शॉर्ट बताता हूं, आप कर सकते हो कैसे भी। Q1 बाई Q2 को 5/4 लिख सकते हैं, है? या इसी को लिख रहे दो, चलो यहीं से करते हैं। तो Q2 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू Q1, ऐसे कर लो 4/5, Q1 की वैल्यू 1000, 10000, 10 की पावर 4, 10000, है ना। सो दिस विल बी 5 × 5, 5 × 2 = 10, 000, तो 4 × 2 = 8000। तो हीट रिजेक्ट हुई 8000 जूल, हीट एब्जॉर्ब हुई 10000 जूल, सो वर्क डन कितना होगा, 10 में से 8 गया 2000 जूल, मान के कि कहीं और एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप अपने आप ट्राई करें, एक बढ़िया सवाल देता हूं कैनॉट्स पे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस इसके सवाल बहुत ही सारे कर सकते हो, जितना मैंने बताया ना, कंसेप्ट पकड़ के रखना, कुछ भी पूछ सकता है आपके, कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, इस एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क डन कितना हुआ, यहां पर हीट कितनी हुई, सब पूछ सकता है। Q2 द एफिशिएंसी ऑफ कैनॉट हीट इंजन इज 1/6, परसेंटेज में नहीं दी। इफ सिंक टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाई 65 डिग्री सेल्सियस, एफिशियंसी बिकम्स 1/3। कैलकुलेट एक्चुअल सिंक टेम्परेचर, ऑप्शन है 48 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस, 51 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करें, प्यारा सा सवाल, वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको ट्राई करें। चिरा के दिल मेरा गोरिया चली, टी डी 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 डी, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली, मंजिल मेरी बस तू ही तू। हो गया, ट्राई कर लिया, द करेक्ट आंसर इज जुम्बा रे डी, 52।
मैं करके दिखाऊं, चलिए एफिशिएंसी इज 1/6, एफिशिएंसी को लिख सकते हैं 1 - T2/T1 इज इक्वल्स टू 1/6। ये सोर्स का टेम्परेचर, ये सिंक का टेम्परेचर। फिर बोला सिंक टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री कम करो चाहे 65 केल्विन कम करो बात सेम होती है। तो हमने लिखा कि नई एफिशिएंसी है 1/3, फॉर्मूला बनेगा 1 - T2 - 65/T1। बोला सही है, सिंक का टेम्परेचर T2 ना 65 कम कर दिया, चाहे 65 डिग्री में कम हो केल्विन सेम होता है चेंज, तो T2 माइनस। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, कुछ नहीं इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने, कुछ नहीं करना है यार, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से 1 = 6 ऐसे कर लेते हैं, 6 × 1 - T2/T1 = 1, यहाँ से 3 इधर भेज दो, 3 × 1 - T2 - 65/T1 = 1। ये दोनों 1 के इक्वल है यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अरे कैसे भी सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जहाँ तुम्हें समझ में आया उस टाइम। 6 × 1 - T2/T1 = 3 × 1 - T2 - 65/T1। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 - 2 T2/T1, 1 - यहाँ एलसीएम ले लो, T1 - T2 + 65/T1। बोलो सही कर रहा हूँ, एलसीएम T1 आएगा, T1 - T2 और ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एलसीएम ले लो तो 2 T1 - 2 T2/T1 = T1 - T2 + 65/T1। T1 से T1 मर गया, T1 - T2 की वैल्यू मिल रही मुझको, मुझे चाहिए क्या था, मुझे सिंक टेम्परेचर चाहिए था। सिंक टेम्परेचर इज वॉट, इट इज़ T2। तो यहाँ से T1 - T2 की वैल्यू मिल के वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके कुछ मिलने वाला है मुझको, कुछ नहीं मिलने वाला है। खैर देखते हैं, T1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 T1 - T1, T1 और T2 हो जाएगा 2 T2 - T2, तो विल बी 2 T2 प्लस हो जाएगा माइनस T2 प्लस 65। तो T1 = T2 + 65, इसको यहाँ पे यूज कर ले, काम बन जाएगा। T1 - T2 इज, हाँ ठीक है, यहीं से यहीं यूज कर लेते हैं, इस वाले पे मिटा दो इसको, ये मिटा दो, चलो हाँ। तो यहाँ पे लगा दो 1 - T2/T1 = 1/6, T1 - T2/T1 = 1/6। यहां से देखो T1 - T2 की वैल्यू मिल गई है 65, यहां रख दो 65, तो 65/T1 = 1/6। यहां से T1 की वैल्यू 6 × 30 = 36 × 36 = 390 केल्विन। T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, T2 इज व्हाट, T1 - 65, तो 390 - 65 5, 2, 325, सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, 325, 20, 30, 60, हाँ ठीक है 325 केल्विन। सो T2 इज 325 केल्विन। अब आपके आंसर दिए थे किसमें, सेल्सियस में दिए थे, तो 325 में से 273 घटा दो, है ना, T2 की वैल्यू आ रही है 325 केल्विन, इसमें से 273 घटा, 5 से 3 गया 2, 12 में 7 गया 5, 52 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, यहां पे प्यारे बच्चों कैनॉट्स हीट इंजन पूर्ण रूप से समाप्त होता है। संपूर्ण रूप से कैनॉट्स हीट इंजन को हम यहां पे समाप्त करते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर, बहुत छोटा सा है, टेंशन बहुत ही छोटा सा है, बात मानो पढ़ लो, अभी छोड़ोगे फिर अगले लेक्चर में जाएगा, अगले वीडियो में फिर शुरू से बताऊंगा, मेरा नाम है अलख पांडे, तुम बोर हो गए। तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है ये बताओ मुझको, ठंडा करना। अरे ठंडा कैसे करेगा, रेफ्रिजरेटर का काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से, असल में बोलूं तो इलेक्ट्रिकल वर्क की हेल्प से एक्सट्रैक्ट, है ना, विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी और उसको देना है टू हॉट बॉडी। देखो जो विधि का विधान है वो ये कहता है कि हीट हमेशा
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करती है, और ये रेफ्रिजरेटर भाई अलग ही दुनिया में जी रहा है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडा कैसे करता है, ठंडा उसके अंदर ठंडा थोड़ी ना जाता है सर, उसके अंदर ठंडा जाता है, ये हवा चलती है ठंडी ठंडी नहीं। रेफ्रिजरेटर अपने अंदर से हीट निकालकर बाहर फेंक देता है। रेफ्रिजरेटर कभी पीछे खड़े हो, बढ़िया हीटर है, रेडिएटर बोलते हैं ना, आता है मैकेनिक, मैम इसका रेडिएटर खराब है ना, तो रेफ्रिजरेटर के पीछे रेडिएटर लगा है, रेडिएटर जो हीट रेडिएट करेगा। रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, अपने अंदर से हीट निकालकर रूम में फेंक रहा है, एक तरह से रूम को गर्म कर रहा है वो, और कुछ नहीं, अपने अंदर से हीट निकाल के रूम को फेंक रहा है। अपने अंदर से हीट निकालता जाएगा तो अंदर टेम्परेचर ठंडा होगा, पर यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, होना नहीं चाहता ना। मतलब रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस देखो ना, कितना कितना ही अजीब प्रोसेस है। रेफ्रिजरेटर के अंदर मान लो टेम्परेचर मान लेते हैं चलो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बाहर रूम का टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। हीट कहां से कहां जानी चाहिए, यहां से यहां नहीं, रेफ्रिजरेटर विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क तभी हो पाएगा ऐसा। अपने आप हीट कैन नेवर फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, समझ रहे हो बात को। रेफ्रिजरेटर भी एक तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, हीट कैन नेवर फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सटर्नल वर्क करो, ये काम आप खुद से करो, स्पॉन्टेनियस नहीं है, हम जबरदस्ती इसको करा रहे हैं। हम रेफ्रिजरेटर जब तक स्विच ऑन नहीं करो, जब तक उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दोगे, तब तक ये काम नहीं होगा। वो इलेक्ट्रिकल वर्क के द्वारा यहां से हीट निकाल कर बाहर हीट रिजेक्ट करता है, बाहर हीट रिजेक्ट करता है, बाहर हीट रिजेक्ट करता है। और तुमको सच्चाई बताऊं रेफ्रिजरेटर की, जो हीट बाहर रिजेक्ट हो रही है ना, वो अंदर निकाली हीट से ज्यादा है। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, जरा समझो, रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट अ रिवर्स हीट इंजन, समझ में आएगा, रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट अ रिवर्स हीट इंजन, समझो, जो सिंक था वही तो रेफ्रिजरेटर है, कोल्ड बॉडी यही तो रेफ्रिजरेटर है। यहां से आपने हीट निकाली Q2, यहां से हीट निकाली Q2, अब कोल्ड बॉडी से हीट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहां मेरे पास है इंजन इसका, जिस पे आप वर्क करेंगे W। अब वर्क निकल नहीं रहा बाहर, इलेक्ट्रिकल वर्क आपने किया इसके ऊपर, ताकि Q2 को खींचकर हम ऊपर रीट रिजेक्ट करें, किसको, सोर्स को। यहां पे सोर्स है आपका कमरा, जिसका टेम्परेचर T1, और डेफिनेटली T1 इज ग्रेटर देन T2, कमरे का टेम्परेचर, फ्रिज, ये फ्रिज है, ये फ्रिज के अंदर का मैकेनिज्म, इंजन वगैरह। तो आपने फ्रिज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वर्क किया, उस वर्क ने फ्रिज में से हीट खींची, और बाहर जो हीट रिलीज हुई वो Q1 है। यानी बाहर जो हीट रिलीज हो रही, क्या सच सच बोलो, वो W प्लस Q2 के इक्वल होगा। यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर से अगर हम 10 जूल एनर्जी निकालते हैं, तो बाहर आते आते वो 15 जूल हो जाती है, कमरा और ज्यादा गर्म होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये भी तो बाहर जा रहा है, ये भी तो आप एक्स्ट्रा पुट कर रहे हैं, इट इज अ रिवर्स हीट इंजन, समझ में आया। ये है रेफ्रिजरेटर, ये है रूम, रूम का टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर से ज्यादा, रेफ्रिजरेटर ने अपने अंदर से हीट निकाली बाय डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया, और अब बाहर जो हीट एक्सपेल हुई, दैट इज W प्लस Q2, मोर देन द हीट व्हाट एक्सपेल्ड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, इट इज एक्सपेल्ड टू द रूम, मोर देन द हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, इट इज एक्सपेल्ड इन द रूम। क्लियर है कंसेप्ट, बाकी कुछ नहीं करना है इसके ऊपर, पूरा कैरनॉट्स थ्योरम वैलिड है, Q2 by Q1 is equals to P2 by T1। बस दिमाग में पिक्चर 100% क्लियर होनी चाहिए, बच्चे रट के चले जाते हैं, पिक्चर क्लियर हो कि सिंक है फ्रिज, सोर्स है रूम, दिस इज आर रूम, दिस इज आर रेफ्रिजरेटर, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये वर्क और ये हीट मिलके बाहर Q1 निकले। क्लियर, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट वी हैव फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, नथिंग एल्स, मिटा दे, ओके। एक न्यूमेरिकल करते हैं और एक लास्ट कंसेप्ट रेफ्रिजरेटर में बताते हैं आफ्टर दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। सो
एक न्यूमेरिकल हमारे पास रेफ्रिजरेटर का, कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर का टेम्परेचर है -3°C, है ना, इनसाइड रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इज -3°C और रूम टेम्परेचर है 27°C. पूछा है हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड टू रूम पर सेकेंड इफ 1 joule ऑफ वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन पर सेकेंड. इलेक्ट्रिकल या 1 joule ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन टू रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड. आप खुद से ट्राई करेंगे सवाल. ऑप्शन है ए बी सी डी. ऑप्शन आर 4 joule, 7 joules, 9 joules, 13 joules. पर सेकेंड कितनी हीट रूम में रिलीज हो रही है. तो पूरा कैनॉट थ्योरम यहां पे वैलिड है. यू कैन इजिली यूज Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1. लेट अस डू दिस. पहले आप टेम्परेचर कर लिया है, 1, 2, 3, 4 बंद करो ये अत्याचार. अच्छा तो पहले आप इसको चेंज करेंगे किसमें, केल्विन में. सो इनसाइड रेफ्रिजरेटर यानी ये, तो हमें T2 दे रहा है -3 प्लस 273 कर लो, सो इट विल बी 270 केल्विन. आउटसाइड यानी रूम का टेम्परेचर यानी सोर्स, बाहर जहां हीट जानी है, T1 27 प्लस 273 दिस इज 3000 लिख दिया क्या, माफ करना. 1 joule ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, हमने W की वैल्यू दे रखा है, W इज 1 joule इज गिवन टू रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड. पूछ रहा है व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड टू रूम पर सेकेंड, Q1 पूछ रहा है व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड टू रूम, व्हाट इज द वैल्यू. कर सकते हैं, कर सकते हैं आप. आइए कैसे करेंगे, Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1. Q2 की वैल्यू नहीं पता, Q1 की वैल्यू भी नहीं पता, T2 की वैल्यू 270, T1 की वैल्यू 300, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 9 by 10. एक काम करें, दोनों तरफ आपको पता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविनेंडो थ्योरम, कॉम्पोनेंडो लगा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ -1 कर दो इस इक्वेशन के. आसान तरीका तुम चाहे जैसे करो, मुझे दिक्कत नहीं है. Q2 इज इक्वल टू इतना Q1 बोलो, फिर W की वैल्यू रखो, है ना, W को Q1 - Q2 जैसे तुम चाहो सॉल्व कर सकते हो. यहाँ से Q2/Q1 का रेशियो मिल गया है, यहाँ से Q2 को Q1 कट में करो, W को लिखो Q1 - Q2, फिर सॉल्व. मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरफ -1 करो. सो क्या होगा, इधर -1 इधर -1, तो Q2 - Q1/Q1 इज इक्वल टू, पहले तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, पहले इसको उल्टा कर लेते हैं, Q1 - Q2 में से Q1 माइनस नहीं होगा ना, छोटा है ना Q2, इज इक्वल टू 10/9. यार सॉल्व तुम कैसे भी कर सकते हो, मैं आसान कर रहा हूँ, उल्टा किया, दोनों तरफ -1 कर लो, दोनों तरफ -1 करोगे तो आएगा Q1 - Q2/Q1 इज इक्वल टू 10 - 9/9. कह सकते हैं Q1 - Q2 होता है वर्क, यानी ये ऊपर हो गया वर्क, नीचे हो गया Q1, 10 - 9 इज 1/9. वर्क की वैल्यू कितनी दी है, 1 joule, यहां से Q1 की वैल्यू हो गई 9 joules. क्लियर है, तो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ये थी सारी कहानी, और जाने से पहले मैं भूलूंगा नहीं, एक छोटा सा टॉपिक आपको और पढ़ा दूं, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. छोटा सा एक टॉपिक है, एफिशिएंसी नहीं होती रेफ्रिजरेटर की, होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. अब पूछोगे ये क्या चीज है, मतलब कितना अच्छा रेफ्रिजरेटर है ना, इसके लिए सिंबल मैंने यूज किया के, सी के, जो भी यूज कर लो. बच्चों वो रेफ्रिजरेटर सबसे अच्छा होगा जो ज्यादा से ज्यादा हीट रिजेक्ट कर दे, ज्यादा से ज्यादा हीट रिजेक्ट कर दे, ज्यादा से ज्यादा हीट रिजेक्ट कर दे, और कम से कम वर्क करे. जितनी ज्यादा हो सके हीट रिजेक्ट करे और जितना कम हो सके उतना वर्क करे, मतलब के उसका बेटर होगा जिसकी हीट रिजेक्टेड ज्यादा हो और जिसमें वर्क डन कम लगे. यस और नो,
जिसमें ज्यादा से ज्यादा हीट रिजेक्ट हो जाए और कम से कम वर्क करना पड़े। यानी के होगा, हीट कितनी रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है क्यू टू अपॉन वर्क डन डब्ल्यू। जितनी ज्यादा हीट निकल के बाहर आ जाए हीट रिजेक्टेड क्यू टू, और जितना कम उसके लिए हमको वर्क करना पड़े। आई हैव टू चेक दिस फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड यस दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। जितना ज्यादा हीट बाहर निकाल लें हम, कितनी हीट निकाली क्यू टू, और जितना कम काम करना पड़े। इस पे आज तक कोई सवाल इन सब पे आया नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट है, हो सकता है दे दे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो जितनी ज्यादा हीट निकाल लो उतना ज्यादा के आए, अच्छा है, और जितना कम वर्क करो उतना ज्यादा के आएगा। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आप लिख सकते हो क्यू टू अपॉन वर्क की जगह, बोलो वर्क की जगह आएगा क्यू वन माइनस क्यू टू। नाउ सिंस यू नो कि ये लिख सकते हैं कि नहीं, सिंस यू नो क्यू टू अपॉन क्यू वन इज टी टू बाई टी वन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So this will change to T2 upon T1 minus T2. Okay. बोल सही है? Q2 by Q1 is equals T2 by T1. तो Q2 upon Q1 is directly proportional to T2 by T1. So इसको आप अगर जब आगे लिखोगे तो T2 upon T1 minus T2 लिख सकते हो। Clear है? तो बच्चों ये थी सारी कहानी कैनॉट्स हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की। इसके बाद जरूर से इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का मेन पार्ट होता है खत्म। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।